रामनगरी अयोध्या में साधु संत ने मनाया दीपोत्सव। रामनगरी अयोध्या में बहुत भव्य दीपोत्सव मनाया गया और हनुमान जयंती भी मनाई गई, जो कि 25 लाख दीपक जलाकर के अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड बनाया। और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत योग गुरु महेश योगी ने क्या कहा? अयोध्या की पावन भूमि से श्री हनुमान जी महाराज की पावन चरण स्थली से संपूर्ण देशवासियों को दिव्य दीपोत्सव की मंगल कामनाएं और श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की भी मंगल कामनाएं। आज हम सभी अयोध्या वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस तरह से अयोध्या दीपों से सजी हुई है और संपूर्ण विश्व हर्षोल्लास मना रहा है, आनंदोत्सव मना रहा है। निश्चित तौर पर हमारी जो अयोध्या थी काफ़ी समय से बड़ी उपेक्षित रही, लेकिन आज जो अयोध्या का स्वरूप दिखाई पड़ा है, जितनी दिव्यता और भव्यता दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर ये समस्त वसुधा को एक नई चेतना, नई ऊर्जा और प्रदान करने वाली है। और आज अगर अयोध्या के स्वरूप को देखें तो जब हम लोग परिकल्पना करते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन हुआ रहा होगा तो एक जो है पूरी अयोध्या विजय उत्सव मना रही थी, आज उस परिकल्पना को देखें तो आज उसका एक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है अयोध्या में। और अयोध्या पुनः राम राज्य की जो हम लोग कल्पना करते हैं उसका अवतरण हो रहा है। और अयोध्या आज दिव्य दीपोत्सव की दिव्यता को देख करके यह महसूस होता है कि अब अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित हो चुकी है। संपूर्ण विश्व का केंद्रण आज अयोध्या की तरफ है और अयोध्या पुनः उस राम राज्य को चरितार्थ करते हुए जनमानस को नई प्रेरणा दे रही है और संस्कृति की, धर्म की एक पुनर्स्थापना हो रही है। और अब भारत के एक एक हृदय में भगवान राम का रामत्व व्याप्त हो रहा है और हमारे इन्हीं जनमानस मिलकर के फिर भारत को पुनः विश्वगुरु के रूप में परिवर्तित करेंगे। ऐसी मंगल शंखनाद अयोध्या की धरा से हो रही है। स्वामी महेश योगी, सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या।